मनपा अस्पताल में आईसीयू उद्घाटन पर भड़की बीजेपी, पालक मंत्री के कार्यक्रम में गणेश नाइक को नहीं बुलाने पर बवाल। ऐरोली का यही वो मनपा अस्पताल है जहां आईसीयू आदि सुविधाओं के उद्घाटन को लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी का आरोप है कि इस अस्पताल में स्थानीय विधायक गणेश नाइक ने अपनी निधि प्रदान की है, फिर भी इसके उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय विधायक गणेश नाइक को नहीं आमंत्रित किया गया। महापौर जयवंत सुतार ने इसके लिए महाविकास आघाड़ी और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे पर सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गणेश नाइक के मार्गदर्शन में ही नई मुंबई मनपा के जरिए विकास हो रहा है, लेकिन उन्हें मनपा के कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाना तानाशाही ही तो है। 18 जनवरी को ऐरोली का जो राजमाता रुग्णालय और नेहरू का स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे रुग्णालय, ये रुग्णालय में जो मेडिकल और आईसीयू कक्ष का निर्माण करके लोकार्पण सोलह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को स्थानीय आमदार गणेश जी नाइक को आधा घंटा पहले यह निमंत्रित किया गया। कौन सा भी राजशिष्टाचार उन्होंने बायकॉट करके ये प्रोग्राम किया। बता दें कि ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज नई मुंबई मनपा के नेरुल और ऐरोली के अस्पतालों में सुविधाओं का उद्घाटन किया। इन कार्यक्रमों में बीजेपी नेताओं को नहीं बुलाया गया। बीजेपी ने इसके लिए मनपा प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया और सत्तारूढ़ दलों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। सत्ताधारी पक्ष ने एक खाली श्रेय लेने के लिए ये उनका प्रयत्न हुआ है। मैं निश्चित तौर पे इस बात का निषेध कर रहा हूँ। प्रशासन राज्यकर्ता का जो दबाव आने से कर रहा है, ये प्रशासन का भी मैं निषेध करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।